specified business under section 35AD. Now, ऐसे याद रखते राइट, एच ओ से चार राइट, पहला होटल, हॉस्पिटल, हाउस, हनी, होटल टू स्टार या उससे बड़ा होटल अगर आप बनाते हो, बनवाते हो, तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि 35AD का बेनिफिट क्या है। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस है, लेकिन ऐसा कौन सा ऐसा बहुत बड़ा फायदा दिया जाता है? किसी को आइडिया है सबसे बड़ा फायदा क्या है ये सेक्शन का? नहीं, सेक्शन में बेनिफिट ऐसा नहीं है। सेक्शन में बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई भी असेट खरीदते हो अदर देन लैंड, जमीन, गुडविल, ये दो छोड़कर अगर आप कोई भी असेट खरीदते हो, जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, सपोज मैं हॉस्पिटल चालू कर रहा हूँ और मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा, मैं हॉस्पिटल चालू कर रहा हूँ, मैंने मशीन खरीदा, या मैंने सपोज कोई वेंटिलेटर्स परचेज किए राइट, तो पूरे का पूरा मैं PNL डेबिट में लिख सकता हूं। जनरली असेट कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट। और PNL में क्या लिखते हैं? उसका डेप्रिसिएशन। समझो अगर मैं 1 लाख का, 1 करोड़ का, समझो मैंने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन 1 करोड़ का मैंने खरीदा, तो रूल के हिसाब से उसका 15% में 15 PNL, इंस्टेड ऑफ दैट मैं कितना कर सकता हूं? पूरा 1 करोड़। क्या ये बेनिफिट है? यस yes. दूसरा बेनिफिट क्या था स्पेसिफाइड बिजनेस में? कि आप अपने लॉस को इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ, रिटर्न आपको टाइम टू टाइम फाइल करना होगा। हाँ, लेकिन ये भी एक था कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस से स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, बरोबर। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई भी एसेट को आपको 8 साल के अंदर आप नहीं बेच सकते, ना उसे कोई अनस्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको कुछ रिवर्सल करके टैक्सेबल मिल जाता। मतलब आपको 8 साल तक वो एसेट को स्पेसिफाइड बिजनेस में ही रखना होगा। ये सब क्लॉजेस थे किसमें? 35AD स्पेसिफिक बिजनेस में। और ये 4 बिजनेस थे जिसमें होटल था, ज्यादा 35AD बाद में पढ़ना, क्योंकि यहां तो मुझे सिर्फ 35AD पर क्वेश्चन नहीं है, यहां तो एक पार्ट है, तो एग्जाम में आता है कि 35AD, तो अपने को समझ आना चाहिए। तो कौन सा बिजनेस है? होटल जो 2 स्टार या उससे ऊपर है, हॉस्पिटल 100 बेड्स या उससे ज्यादा है, मिनिमम 100 बेड्स का हॉस्पिटल आपको बनाना होगा, हाउस में बेसिकली हाउस नहीं है, उसका SRA प्रोजेक्ट है। SRA सुना है क्या है? स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटीज का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो है। हनी या बी कीपिंग, ऐसा सुना है? ये है, ये 4 HO वाले। तो 4 बिजनेस तो याद रह गए, फिर 5th, 6th, 7th, ये कौन से है? वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, या 8 में एक बार लिख देता हूं, कोल्ड चेन। तो 4, 4, 8 याद रहे राइट, ये 8 बिजनेस है। टोटल बिजनेस है 13, 13, कितने हुए? 8। अभी था स्लरी पाइपलाइन, वो आयन ओर के लिए बेसिकली स्लरी पाइपलाइन, फिर क्रॉस कंट्री, मतलब वो जो पेट्रोल जाता है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसका जो आपने क्रॉस कंट्री जो बनाया होता है, जो पाइपलाइन बोल सकते हो, उसका भी कंसेप्ट वही था। स्लरी मतलब क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, जहां नेचुरल गैस या पेट्रोल एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है। नेक्स्ट वॉज कस्टम डेपो का बनाना राइट, 12th वॉज सेमी कंडक्टर
वेफर फैब्रिकेशन, मेरे ख्याल से ये वो सोलर पैनल्स और वो सब का कंसेप्ट आ रहा है, चिप्स बनाना होता ना वो सब, मतलब इन शॉर्ट मोबाइल चिप्स और वो सब भी, ये भी अभी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स है स्पेसिफाइड में। और लास्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे बिजनेस है जिसमें ये बेनिफिट्स है। कौन से बेनिफिट समझा? बेनिफिट कौन से बोले वापस बोल सकते हो? हाँ, कॉन्सेप्ट को छोड़कर, लैंड एंड गुडविल, ये दो को छोड़कर, वो दो को आपको असेट में लिखना होगा। बाकी कोई असेट हुआ तो पीएनएल डेबिट में लिख सकते हो। असेट को कितने साल तक रखना होगा? लॉस कितने साल तक कैरी फॉर कर सकते हो? और लास्ट, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट अदर स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। ठीक है, तो 35AD ये हुआ। अभी एक बार आगे पढ़ते हैं, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन डोमेस्टिक कंपनीज। चलो एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप आगे का डिस्कशन करते हैं। पहले दो सेक्शन कर लेते हैं, उससे कंटिन्यूएशन है। इसलिए लास्ट टाइम उन्होंने कौन सा किया था, 115BAA, बाद में कॉपी करना भी चलेगा। और अभी 115BAA और 115BAB। टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन डोमेस्टिक कंपनीज सेक्शन 115BAA, इनकम टैक्स पेबल ऑफ डोमेस्टिक कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 2021 शैल एट द ऑप्शन ऑफ सच पर्सन बी कंप्यूटेड एट 22%। 25 से 22 पर आया। अच्छी बात देखो क्या हुआ, ऊपर वाले में मतलब 115BA में स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग वर्ड था, या मैन्युफैक्चरिंग वर्ड नहीं है, या जनरल वर्ड है डोमेस्टिक कंपनी। इफ द कंडीशंस कंटेन्ड इन सब सेक्शन 2 आर सेटिस्फाइड, provided that where the person fails to satisfy the condition subsection 2 in any previous year, the option shall become invalid in respect of that previous year and subsequent years, and other provision of the act shall apply as if option has not been exercised. मतलब बाकी सब, अगर ये आपने condition fulfill नहीं किया तो assumption पर आप normal category में चले जाओगे और आपको ये section के benefits नहीं मिलेंगे। Section वही है 10AA, सबको याद है या वापस discussion की जरूरत है। 10AA, 32, 33, 35 के 5, 80s, वो भी अपन लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिशिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर इफ सच लॉस और डेप्रिशिएशन इज एट्रिब्यूटेबल टू द अबाउट डिडक्शन। अगर ऊपर वाले डिडक्शन के कारण अगर आपका प्रीवियस ईयर या उसके पहले के साल में लॉस हो रहा था तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। याद हो बिजनेस में कितने साल तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? बिजनेस में 8 years, मैंने स्पेसिफिक बिजनेस नहीं बोला, बिजनेस में आप लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 years, मतलब समझो पुराना लॉस है, समझो 4 साल पुराना, मैंने 35AD का लॉस है, 4 साल पुराना सपोज सेक्शन 10AA का लॉस है, तो अगर मैं ये सेक्शन यूज कर रहा हूं तो वो लॉस मुझे कैरी फॉरवर्ड करें, सॉरी सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। अजम्पशन पर ही होगा कि आपने क्लेम कर लिया। विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस और अलाउंस फॉर अनएब्सॉर्ब डेप्रिशिएशन डीम्ड अंडर 32A, इफ सच लॉस और डेप्रिशन इज एट्रिब्यूटेबल टू डिडक्शन अंडर क्लॉज 1, मतलब वही एडिशनल का कंडीशन, बाय क्लेमिंग द डेप्रिशन इफ एनी सेक्शन 32 एक्सेप्ट क्लॉज 2A, मतलब कंटिन्यूएशन, ये सबका कंसेप्ट क्या है, डेप्रिशिएशन का कोई भी कंसेप्ट सेक्शन 32 एक्सेप्ट नॉर्मल डेप्रिशिएशन, नॉर्मल डेप्रिशन अलाउड होता है। लॉस एंड डेप्रिशिएशन रिफर्ड इन क्लॉज 2 क्लॉज 3 ऑफ सब सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट and no further deduction will be allowed। मतलब assumption पर क्या किया जाएगा, जितना भी अगर आपका समझो loss था वो हो गया, आपको claim करने नहीं मिलेगा। In case of a person having unit in International Financial Service Center ATLA which has exercise option under section 5, deduction under ATLA shall be available to a unit subject to fulfillment of conditions contained in said section। Now what was ATLA? चलो अभी ATLA क्या था, ATLA was profit offshore banking operating in SEZ। अगर कोई foreign bank SEZ में operate करता है उस फायदा होता है, वो उसको deduction था। अभी ये last 2 साल में उसके deduction के provision change हुए हैं, पहले कुछ अलग था अभी कुछ अलग है। right now क्या है ATLA में, ATLA deduction है किसके लिए है, ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेटिंग इन
बैंकिंग इन SEZ, बेसिकली इन लोग का बिजनेस होता है फॉरेक्स कन्वर्जन। काम क्या होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं ना, मतलब डॉलर टू रुपीज, जो हम लोग को। नाउ ये साल से, मतलब लास्ट ईयर से जो अजम्पशन, इसमें क्या उन लोग फर्स्ट 15 इयर्स में, सुनना बरोबर, पहले ना रूल देखो क्या है, पहले 15 साल, फर्स्ट 15 इयर्स के अंदर एनी 10 कंसेक्यूटिव इयर्स 100% प्रॉफिट इज अलाउबल फॉर डिडक्शन। ये आवाज क्लियर है ऑनलाइन? कोई समझा इसका मतलब? पहले पहले 15 साल के अंदर एनी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज अलाउबल 100% डिडक्शन। डिडक्शन मतलब अगर आपका प्रॉफिट समझो 100 करोड़ है तो 100 करोड़ पूरा माफ, लेकिन कभी फर्स्ट 15 इयर्स के अंदर एनी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब एग्जांपल समझो मैंने स्टार्ट किया 2015-16 में, समझो 15-16 में मुझे नहीं लेना है, सेक्शन का यूज नहीं करना तो नहीं करूंगा, 16-17 में नहीं करना है नहीं करूंगा, 17-18 में करना है, समझो को कमाया तो मैंने सोचा 17-18 में लेता हूं, बस एक बार चालू किया ना फिर कंसेक्यूटिव 10 साल लेना है। फिर ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी 10 साल, जब भी चालू करो, मैक्स टू मैक्स आप 6th ईयर में तो चालू ही कर दोगे तो फिर तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि 15 के अंदर 10 है, चलो पहले 5 साल अगर आपने नहीं लिया तो 6 से 15 तक क्लेम कर सकते हो, समझ आते हैं, थर्ड ईयर में ले लिया तो 3 से 12 तक आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर? मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA इज 100% ऑफ प्रॉफिट्स, राइट, फॉर फर्स्ट सॉरी फॉर फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ फर्स्ट 15 ईयर्स, फर्स्ट 15 ना मतलब पहले 15 साल, बिजनेस के पहले 15 साल में 10 साल तक आप कंटिन्यूएशन बेनिफिट ले सकते हो। हाँ याद ना, अगर आपको कोई भी ऑप्शन लेना है तो एक रूल तो हमेशा रहेगा ही, आपको रिटर्न फाइलिंग में उसे डिस्क्लोज करना होगा, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि जब तक रिटर्न फाइलिंग, जैसे इस साल का ही एग्जांपल था, अगर हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते तो हमारे पास दो चॉइस थे, मतलब एज एन इंडिविजुअल, या तो मैं ओल्ड रेट पर जा सकता हूँ या तो मैं न्यू रेट पर जा सकता हूँ। अभी पर्सन ने क्या सोचा होगा, क्योंकि वर्ड्स क्या था, द बेनिफिशियल, जो आपको फायदा दे रहा है, लेकिन मैं मेरी ही बात कर रहा हूं, मेरे को फायदा दूसरे में हो रहा था फिर भी मैं पहले में गया, जरूरी नहीं था कि बेनिफिशियल, आपको लगेगा ऐसा कौन ज्यादा टैक्स पे करेगा, लेकिन रूल क्या था, समझो अजम्पशन पर मेरा पहले कैटेगरी में टैक्स आ रहा है 90,000 और दूसरी कैटेगरी में टैक्स आ रहा था, मतलब नए के हिसाब से आ रहा था समझो 87,000, तो मेरे को लगा 90 पे करूं या 87, आपको लगेगा 87 पे करना चाहिए, 3,000 तो बच रहा है, लेकिन अगर मैं एक बार ये करूं, नहीं नहीं वो सब करने के बाद, डिडक्शन विडक्शन सब करने के बाद, लेकिन सोचना क्या था कि अगर एक बार मैं नया सेक्शन में जाता हूं तो नेक्स्ट ईयर मुझे वापस नए का सोचना होगा, और माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर अगर पहला वाला ज्यादा हो गया तो वापस मैं सोचूंगा चल अभी मैं पहले में जाता हूं, अरे उसके बाद अगर मैं पहले में गया तो उसके बाद मैं नए में नहीं आ सकता था। हाँ तो मैंने क्या सोचा, छोड़ना अभी 3,000 का ही फर्क है, अभी 3,000 भर देता हूं ज्यादा, उसमें क्या है, तो नेक्स्ट ईयर मेरे को वापस एक चांस तो रहा, मैं तो पुराना में रहा ना, नया किया ही किधर है, तो नेक्स्ट ईयर समझे डिफरेंस ज्यादा होगा तो नए में शिफ्ट होगा, अगर एक बार मैं 3,000 में कर लिया लालच में बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आया? तो दैट वाज अ मेजर कंसेप्ट, लिखा है बेनिफिशियल लेकिन इट्स अप टू यू, आपको मुझे नहीं चाहिए बेनिफिट, समझ में आया? क्योंकि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इन लोगों ने सब में ये रेस्ट्रिक्शन डाला है कि आप यू टर्न मार सकते हो सिर्फ एक बार, हर साल ऐसा ऐसा नहीं कर सकता, समझा, ये सब में रेस्ट्रिक्शन है ना, हर साल नहीं कर सकते, अरे पता चला नेक्स्ट ईयर पता चला कि पहला वाला ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ ATC मिलता था, ATTTA मिलता था, ये सब सेक्शन तो मिलते थे, ATD मिलता था, क्योंकि ये तो सबके घर में ATC सबको मिलता होता है, कुछ ना कुछ होता है, ट्यूशन फीस पे किया, FD में डाला, ये डाला कि सबको, तो 150 क्यों छोड़ू,
मेडिक्लेम सब घर में भरते, तो 25,000 तो उसका मिलता है, ATTTA का 10,000 तो मिलता है, मतलब 1.25 लाख तो ऐसे मिल जाता है। समझ में आया? तो कुछ थोड़े अमाउंट के लिए मैं क्यों इधर से इधर करने जाऊं, तो बहुत 3,000 भरना ज्यादा बेहतर है। तो रूल क्या था कि आपको जब रिटर्न फाइल का तो आपको टिक करना था आपको कौन सा चाहिए रिटर्न के अंदर। समझ में आया? तो मैंने समझा, मैंने टिक किया ओल्ड, मतलब ऐसा क्वेश्चन, वुड यू ऑप्ट फॉर 115BAC, यस और नो। समझो, मैंने किया नो, नो मतलब ओल्ड, बराबर है ना। तो एक ही साल में उन्होंने सब सेक्शन निकाले, मतलब निर्मला सीतारमण ने 115BA, BAB, BAC, BAD सब डाल दिया है। BAA इधर है, BAB इधर है, BAC अपना है, BAD कोऑपरेटिव है। मेरे को ये नहीं पता उन लोगों को 115 से क्या लगाव है, 115 पर ही लिस्ट है पूरा, आगे पीछे कोई नंबर नहीं। 115 के अंदर कम से कम 25 सेक्शंस टोटल, अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो छोटे 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 से 115 पर, मैट के दोनों 115, AMT के दोनों 115, लॉटरी वो सब 115, हॉर्सेस वाला 115, इसके सब 115, इसके अंदर 115 BBG, BBF सब है, मतलब 115 एक ही इतना बड़ा ग्रुप है। और आगे पीछे सच्ची बोलो तो कुछ भी नहीं है ना, 113 पर कुछ नहीं, 114 पर कुछ नहीं, 116 पर कुछ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इंटरनली आपको याद रखना होगा 115 BA और 115 BAB, सॉरी BA और ये, इतना पढ़ के रखो चलो 2 मिनट, और कॉपी करना तो कॉपी करके रखो।
नेक्स्ट 115 BAB, वापस मतलब एवरी ईयर ऐसा हुआ है कि नए 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 सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये वापस कंडीशनल है, मतलब अजम्पशन पर दोनों सेक्शन एक साथ आए थे। कौन से BAA और BAB, प्रैक्टिकली दोनों साथ में थे, लेकिन BAA है ना सबको था और BAB खाली मैन्युफैक्चरिंग को था। मतलब कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ तो मेरे पास चॉइस है, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हूँ तो मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरे पास दो में से एक चॉइस है, इधर आई शुड गो फॉर BAA और हाँ, लेकिन परसेंटेज वाइज BAB ज़्यादा फेवर कर रहा था क्योंकि ये 15% था, लेकिन कंडीशन ज़्यादा भी थी। मतलब गवर्नमेंट मालूम है बहुत सारी चीज़ें ना एक रेस्ट्रिक्शंस भी रखते हैं। कैसा रेस्ट्रिक्शन मालूम है, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहा हूँ या एज अ इनकम टैक्स ऑफिसर बात कर रहा हूँ, हम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ये सेक्शन का यूज़ कर रहे हो टैक्स बचाने के लिए। और अगर उनको लगा कि आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो तो हम ये सेक्शन का आपका बेनिफिट निकाल देंगे। अब इसका मतलब क्या, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वेल सोचो हाउ पर्सन मैन्युपुलेशन का मतलब क्या। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज तेरे दो बिजनेस है एक्स और वाई, राइट, एक ही वो बिजनेस है, समझो तेरा यही इधर ही तेरे दो बिजनेस चल रहा है, इधर एक्स चल रहा है उधर वाई चल रहा है, उधर वाई एक्स या वाई जो भी हो, इधर ही दो बिजनेस चल रहा है, दो अलग नाम से तो बिजनेस कर रहा है, जिसमें समझो एक जगह पे तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और एक जगह पर तू ट्रेडिंग का काम कर रहा है, दूसरा कोई बिजनेस है, समझ में आया। नाउ व्हाट विल यू डू अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये बिजनेस पर 15% टैक्स रेट है और वो बिजनेस पर 22% टैक्स रेट है, व्हाट विल यू डू, कैसे? चलो सेल्स तो अगर तू तेरे हाथ में नहीं है, सेल्स अलग ही प्रोडक्ट है, तो सेल्स नहीं है तो तू खर्चे कैसे दिखाएगा, मतलब तू जो खर्चे करेगा ना, हाँ इधर का भी खर्चा मैं उधर दिखाऊंगा। मतलब समझो सैलरी में स्टाफ 5 जन को स्टाफ का सैलरी दे रहा हूं, समझो यहां 3 जन है वहां 2 जन है, मैं ऐसा दिखा दूंगा वहां 4 इधर 1 ही है। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ के एक्सपेंस को कम 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 करने की कोशिश करूंगा और प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, और यहाँ के पूरे एक्सपेंस उधर डाल के उधर का प्रॉफिट एकदम तोड़ दूंगा, नीचे कर दूंगा। मतलब अल्टीमेटली तो मैन्युफैक्चरिंग पर आएगा क्योंकि एक जगह पर 15 है और एक जगह पर 22 है, तो कॉमन सेंस की बात है अगर सेल्स मेरे कंट्रोल में नहीं है अजम्पशन, तो एक्सपेंस तो मेरे कंट्रोल में है, कौन देखने आएगा कि कहाँ कितने जन काम कर रहे हैं, समझ में आया। समझो ये मेरे उधर जॉब कर रही है, मैं इधर बिठा रहा हूँ लेकिन उधर का काम करवा रहा हूँ, कौन देखने थोड़ी आएगा कि यहाँ बैठ के उधर का काम कर रही है इधर का काम कर रही है, मेरे को तो चेक देना है, इसको तो चेक से मतलब है, मैं चेक समझो कहाँ से दूंगा, 22% वाले जहाँ बिजनेस है उसमें से ही दूंगा, भले वो काम कौन से कर रही है 15% वाला। तो दिस हैपेंस, पब्लिक क्या करता है जब दो बिजनेस होता है, आज भी ये जो मैंने बोला ना ये रियालिटी है। मैक्सिमम बिल्डर्स क्या करते हैं, मानो मैक्सिमम बिल्डर्स एक साइड SRA का प्रोजेक्ट लेंगे और एक साइड जेन्युइन प्रोजेक्ट लेंगे। बिल्डर दो बना सकता है ना, एक बिल्डिंग में कौन सा बना रहा हूं, स्लम रिडेवलपमेंट और एक नॉर्मल, बराबर है। अभी मेरे को मैं ट्रक खरीदूंगा, राइट, या मैं कोई मशीन खरीदूंगा, बहुत सारे क्रेन्स खरीदा या दूसरे वो सीमेंट का मैं राइट रोलर है जो भी हम ये सब मशीन्स में खरीदूंगा, आप सोचो मैं किसके लिए खरीदूंगा, हाँ पर अब देखो लगता है कि मैं यूज उसके लिए नहीं करूंगा, राइट, मतलब प्रैक्टिकली कैसा मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि जब एक साथ दो बिजनेस करोगे तो कोई भी पर्सन ही ये सोचेगा कि हाँ यहां मेरा फायदा नहीं हो रहा है, यहां फायदा हो रहा है, तो सब इधर, गॉट इट। तो उन लोग को लगा ये सेक्शन में सब लोग मैनिपुलेशन करेंगे, तो ऐसे ऐसे क्लॉज डाल के रखे कि असेसिंग ऑफिसर को अगर डाउट हुआ तो ये सब भी कर सकते हैं। डाउट हुआ मतलब बोलते ना, उन लोग ने अपने पास सब कुछ ना, मैं चाबी अपने पास रखी, मैं चाहूं तो मैं आपको बोल सकता हूं, मतलब यू बोलते ना टैक्स अवॉइडेंस वाला कंसेप्ट, मैंने बोला मैंने तो ये किया ही नहीं, हम लोग को डाउट है आपने ये किया है, अभी आप प्रूफ करो आपने नहीं किया है, समझ में आया। मतलब ऐसे क्लीन चिट नहीं बन सकता, मतलब आप ये बोलकर नहीं बच सकते मैंने ये किया है बस, मैं इधर एक ही रखा उधर 4 जन रखे, नहीं हम लोग को नहीं लग रहा है आपका ये वाला बड़ा बिजनेस, आपने यहां 3 को रखा होगा उधर 2 को रखा होगा, समझा। तो वर्ड समझना है इसमें, असेसिंग ऑफिसर के हाथ में बोलो ना चाबी दे दी है कि वो चाहे तो आप पर एक्शन ले सकता है, ये सेक्शन को यूज करा थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपके दो
बिजनेस है। हाँ, अगर आपका एक बिजनेस है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ डबल बिजनेस करते हो, समझ रहे हो, एक मैन्युफैक्चरिंग भी है और साथ में एक ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस होगा तो ना रिवर्स, मतलब जितना प्रोपोर्शनेटली डेबिशन क्लेम करना मिलना चाहिए था उतना मिल जाएगा, बाकी का तेरे को टैक्सेबल हो जाएगा, वो तो WDU मेथड से जो होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर। नेक्स्ट, द इनकम टैक्स पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी शैल एट द ऑप्शन बी कंप्यूटेड एट 15% इफ द कंडीशंस कंटेन इन सब सेक्शन 2 आर सैटिस्फाइड, प्रोवाइडेड दैट वेदर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम व्हिच हैज नीदर बीन डिराइव फ्रॉम नॉर इज इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसी कोई इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है तो क्या 15% होना चाहिए? होना चाहिए, सोच के बोलो, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने, मेरे को ये बेनिफिट किसको देना है? मतलब आपकी पीएनएल में ऐसी कोई इनकम है जो मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है तो मैं 15% नहीं ले सकता ना, तो ज्यादा ही होगा। तो आंसर, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स हैज बीन प्रोवाइडेड सेपरेटली अंडर दिस चैप्टर। अभी नो स्पेसिफिक रेट का मतलब, उसके लिए वापस मैं बताता हूं कौन से स्पेसिफिक रेट्स थे, आप लोग को याद होना चाहिए, कितने को याद है फ्लैट रेट्स, स्पेसिफिक रेट्स, ये नेक्स्ट टाइम तक 100% याद रखना। 111A, हाँ, जो स्पेसिफिक रेट से जो चेंज नहीं हो सकते इन एनी सर्कमस्टांसेस, फिर उसको ये सब सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स कितना परसेंट है? 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, लेकिन एग्जम्प्टेड 1 लाख, मतलब पहले 1 लाख माफ और उसके बाद पर 10%। 112 अदर्स, फिर 115 बीबी का ग्रुप, बीबीबी वो सब का ग्रुप, जैसे लॉटरी, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग और वो सब। हाँ, मतलब अगर ये सब इनकम है ना तो आप 15% वाला क्लॉज यूज नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि उसका रेट स्पेसिफाइड है, अभी ये रेट स्पेसिफाइड को आप अलग ट्रीट करोगे। गॉट इट? तो एक बार पढ़ लेता हूं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम, बाद में कॉपी करो, 1 मिनट, ये ऐसे ही रहेगा, टेंशन नहीं, बाद में दे रहा हूं 5 मिनट। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम व्हिच हैज नीदर बीन डिराइव फ्रॉम नॉर इज इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल थिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ विच नो स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स हैज बीन प्रोवाइडेड सेपरेटली अंडर दिस चैप्टर, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल एट 22%। नहीं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी कुछ बचता है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, पीएनएल क्रेडिट में आता है ना, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड या कुछ भी आए समझो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, तो 22%। मतलब अजम से 115BAA को उठा लिया, एंड नो डिडक्शन और अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग सच इनकम, उस पर फ्लैट 22% भर देने का और कोई भी खर्चा क्लेम करने नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अ पर्सन डीम्ड सो एज बिलो शैल बी कंप्यूटेड एट 30%। अभी देखो, वेयर इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट ओइंग टू क्लोज कनेक्शन बिटवीन पर्सन टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज एंड इन अदर पर्सन और अदर पर्सन कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन देम इज सो अरेंज दैट द बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिटवीन देम प्रोड्यूसेस टू द पर्सन मोर देन द ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स व्हिच माइट बी एक्सपेक्टेड टू अराइज इन सच बिजनेस द एओ शैल इन कंप्यूटिंग द पीजीबीपी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टेक द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एज मे बी रीजनेबली डीम टू हैव बीन डिराइव्ड देयर फ्रॉम। मतलब क्या, अभी एग्जाम्पल है, सपोज मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, डोमेस्टिक कंपनी, और साथ में मैं प्रोपराइटर भी हूँ मेरे कोई बिजनेस का, और मेरे को क्या लगा कि मैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ले रहा था, लेकिन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन मैं ले रहा था और मेरी इनकम में टैक्सेबल हो जाता था वो 30% हो रहा था, मैं 30% स्लैब में आ रहा था,
तो मैंने क्या सोचा, मैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन नहीं लेता हूं, समझा, नहीं लेता हूं, और मैं डिविडेंड के फॉर्म में या ऐसा कुछ भी फॉर्म में ले लूंगा और सब कुछ उधर ही रहने दूंगा। मतलब कहने का मतलब वो सब कंपनीज में रहने दूंगा, क्योंकि मैं क्या जानता था कि अगर मेरे में ले लूंगा तो और वहां होगा तो 15%, तो मेरे को लॉजिक क्या सोचना चाहिए, 15%। पब्लिक क्या करने वाला, 30% का टैक्स रेट्स, मैं यहां टैक्स होने से अच्छा है मैं उधर टैक्स भर दूं और वहां से मैं फ्री इनकम उठा लूं, ऐसे पब्लिक प्लानिंग चालू कर देगा। और असेसिंग ऑफिसर को लगा अगर आपका दो बिजनेस के बीच में क्लोज कनेक्शन है, आप समझ रहे हो, क्लोज कनेक्शन है, तो क्या होगा, तो हम लोग अपर वो इनकम को जो उसकी इनकम है, मतलब कंपनी की इनकम है, वो आपकी इनकम गिनेंगे और आप पर से कितना वसूल करेंगे, 30%। इंटेंशनली समझना पब्लिक क्या करेगा, हमेशा बी प्रैक्टिकल, ये पूरा टैक्स अवॉइडेंस सिस्टम है। गवर्नमेंट जब सेक्शन बेनिफिट देता है तो सामने वाला कहीं ना कहीं उसका तोड़ सोच लेता है, वापस बोल देता हूं। और आप सोचो बी पर्स, एकदम प्रैक्टिकल सोचो, आपकी एक साइड आपकी कंपनी चल रही है, एक साइड आपकी कंपनी चल रही है, राइट, यहां 15% टैक्स रेट है, और एक साइड आपका दूसरे सब बिजनेस चल रहा है, यहां 30% टैक्स रेट है, आप क्या सोचोगे, वो सोचो, खाली इतना सोचो आप क्या सोचोगे, राइट, मैं इसको जब गुड्स बेचूंगा मैं क्या करूंगा, मानो मैं 100 रुपए में गुड्स बेचने वाला था, मैं 100 रुपए मेरा कॉस्ट था, समझो 100 रुपया, मैं बाहर वाले को 120 में बेच रहा था, समझो ये बिजनेस, मैं इधर गुड्स, समझो इधर के गुड्स मैं बाहर वाले को, मैं इधर बना रहा हूं 100 रुपए में, कितने में बेच रहा हूं, 120 में, मैं कितना कमाने वाला था, 20 रुपया, राइट, मैं जानबूझ कर उल्टा सुलटा काम करूंगा और 100 का इसको मैं दे दूंगा 101 में और इससे बिकवाऊंगा, समझा, मैं रॉ मटेरियल इसको बोलूंगा और इसको बोलूंगा तू बना, राइट, पेपर्स में तू बना, बना भले बना रहा हूं मैं ऑन पेपर से, मतलब मैं 100 का 101 में दिया, इस मैंने कितना, 1 रुपया, और इसने 101 का मार्केट में 120 में कितना कमाया, तो अल्टीमेटली मेरा टैक्स कितना बचा, जो 19 पर 30% आने वाला था मैं 15 में आया। पब्लिक ये का चालू करेगा, बी प्रैक्टिकल। आज मेरा ही रनिंग बिजनेस था, चल मैं प्रोप्राइटरशिप चला रहा था और उसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंचेस कर रहा था, सब में 30% टैक्स भरा था, प्रैक्टिकल होगा तो मैं क्या करूंगा, अभी सोच के बोलो क्या करोगे। आप एक बिजनेस चला रहे हो, 15% आप बिजनेस कर रहे हो, करोड़ों का ट्रांजेक्शन है राइट नाउ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो एज ए सोल ट्रेडर, एज ए पार्टनरशिप फर्म, आप क्या करोगे, बी प्रैक्टिकल, क्या करोगे, वो छोड़कर वो रहने दोगे, दूसरी कंपनी बनाओगे, बरोबर, फिर क्या करोगे, हाँ हाँ, लेकिन जानबूझकर पब्लिक क्या करेगा, इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और बीच में तो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस थे, क्योंकि ये लोग क्लॉज कैसे बनाते हैं, मतलब इंडिया में एक सबसे बड़ी गलती क्या है, अभी क्यों है मैं भी नहीं जानता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझो मेरे पास वोडाफोन का प्लान है, तेरे पास समझो जियो का प्लान है, जो भी है, समझो हमारे प्लान है, समझो 1 महीने का 300 रुपया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको वोडाफोन कस्टमर बनाना है, आपके लिए 150 रुपया, आपके लिए 1 साल 150 रुपीज, तेरे लिए कितना है, तू कस्टमर है 10 साल से, 5 साल से कस्टमर है, तेरे को कितना, इसको भी 150, गलत नहीं हुआ ये, क्या है, मैं 5 साल से आपका कस्टमर हूं, मेरे को 300 और ये नई नई आई उसको 150, क्यों, कोई अपोज नहीं किया, हाँ, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, तू बिजनेस कर रहा है 2015 से, ये बिजनेस कर रही है 2010 से, ये 2005 से, 2003 से, तुम लोग 30% भरो, ओके 2019 में आया आप 15% भरो, तो हम लोग ने क्या गलती किया, मतलब मैं इतने साल से बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को बेनिफिट नहीं, ये नहीं आ रही उसको बेनिफिट, तो अल्टीमेटली तेरे मन में क्या होगा, तू मेरे को बोल, तू क्या सोचेगा, मैं मेरा बिजनेस बंद कर देता हूं, बाहर में जाए दूसरा बिजनेस चालू करता हूं, दूसरे नाम करता हूं, तो कॉमन सेंस करूंगा मैं यार, मैं 30 का 15 यार, कहने का मतलब है इतना बड़ा चेंज है। हाँ, अगर वो सब सेक्शन बीच में आता, चलो मेरे को वो सब सेक्शन से लेना देना ही नहीं है, 32, 33, 35 आधा सेक्शन मैंने क्या बोला था, काम की नहीं है, 10AA SEZ वाले को मैं नहीं हूं, स्पेसिफिक एडमिशन मैं नहीं हूं, राइट, मैं किसी को डोनेशन देता ही नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च ये सब छोड़ दे, तो मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, चुपचाप मैं बिजनेस बंद करके दूसरा खोलूंगा, क्योंकि वर्ड्स क्या था, देखा उसमें, देखा
नीचे देखेगा ना लिखा है बिजनेस शुड स्टार्ट आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, इसके बाद ही कोविड आया, कोविड भी इसके बाद ही है ना, दिसंबर 19। नाउ प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट द इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बिन एसटीसीजी डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन डन, तो उस पर 22%, मतलब अगर एसटीसीजी हुआ राइट ट्रांसफर नो डेप्रिसिएशन तो कितना परसेंट, 22%, क्योंकि हाँ इस मैंने लिखा नहीं है लेकिन पता है एसटीसीजी का रेट क्या है, खाली एसटीसीजी का रेट क्या है, ये तो इक्विटी शेयर है ना, एसटीसीजी का रेट पता है किसी को प्रैक्टिकली? स्लैब रेट्स है हमारे लिए, स्लैब रेट्स है मतलब 0 to 250 जो आता है वो है हमारे लिए, ये स्पेसिफिक एसटीसीजी है, जनरल एसटी मतलब अदर देन इक्विटी शेयर्स, तो ये लोग को कितना 22, चलो 39, 22 मतलब अजम्पशन पर वापस 115 BAA का। हाँ उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो वेयर द पर्सन फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशन, वो तो ठीक है। हाँ देख अभी देख तू देख, मैंने जो बोला ना वो देख, पॉइंट नंबर टू पर फर्स्ट पॉइंट देख, कंपनी हैज बीन सेट अप एंड रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम एंड अप टू, बराबर उसके बाद का लाइन देख, मैं तो तोड़म तोड़ी करूंगा ना, मैं तो अपना बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस नाम से चालू करूंगा, मैं तो वही करूंगा ना, आप समझे, मैं अभी तेरे को एग्जांपल दिया, तो वोडाफोन का क्या करेगा, पुराना कार्ड निकाल के नया कार्ड लूंगा, अगर तेरे को ऐसा है तो ऐसा करेगा, ऐसा लॉजिक हो जाएगा ना, मैं तो स्प्लिट मारूंगा, क्यों मैं भरूं 25% पर जब मेरे को 15% का ऑप्शन मिलता है, तो आज इसका सोचो ना, आज 5-5 करोड़ का फायदा प्रॉफिट हो रहा है, 10-10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 15% मतलब समझ लो कितना फर्क हुआ, मेरा 10 करोड़ का 15%, 1.5 करोड़ रुपया मेरा प्रॉफिट चेंज हो रहा है, आवाज आ रहा है बरोबर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके समझ में आया लॉजिक, क्योंकि यही डर होता है। प्रॉब्लम क्या है निर्मला सीतारम, ये लोग का प्रॉब्लम क्या है, ये लोग नए नए सेक्शंस निकालते हैं और पुराने लोग को भूल जाते हैं, बस उन लोग को क्या है नए नए बेनिफिट हो, तो पुराने लोग ने क्या गलती किया, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मेरे को क्या होगा, नहीं अभी ईमानदारी सोच, तू 100 रुपए में बना रहा था, नहीं 100 रुपए में कॉस्टिंग था तेरा, तूने ये सोचा कि मेरे को 50 रुपया कमाना है, 50 रुपया कमाना है आफ्टर टैक्स, तेरा 30 रुपया टैक्स है, तो तूने क्या सोचा होगा, मेरे को कम से कम 80 तो कमाएगा, 30 रुपया टैक्स भरूंगा, 50 हाथ में बचेगा, तो तू 100 का चीज 180 में बेचेगा, नया वाला 170 में बेचेगा, क्योंकि उसको तो 15 ही भरना है, तो ये मार्केट खा जाएगा, समझ में आया, क्योंकि उससे कॉस्टिंग कम हो गया, तो ये सब लॉजिक उन्होंने किया। और प्रॉब्लम देख, वर्ड समझ, एओ को ऐसा लगेगा, एओ को ऐसा लगेगा, क्या लगेगा पता नहीं, हाँ उसको लगेगा कि आपने कुछ रोल किया है, क्लोज कनेक्शन मतलब क्या हो सकता है, मतलब तेरा बिजनेस चल रहा था, तेरा नाम क्या है क्रिश, तेरे नाम पर बिजनेस चल रहा था, प्रोपराइटर था, तूने तेरा बिजनेस बंद कर दिया, तूने पप्पा के नाम से कंपनी चालू किया, अपना पप्पा को डायरेक्टर बना दिया, फिर बोले कि ये थोड़ी स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस है, ये तो मेरा बिजनेस था, ये पप्पा का अलग बिजनेस है, और उन लोगों को लगा क्या क्लोज कनेक्शन है, तो ये वो टारगेट कर सकता तेरे को, क्योंकि जनरल पर्सन यही करेगा, खुद के नाम पर तो नहीं करेगा, गॉट इट? नेक्स्ट, डज नॉट यूज एनी प्लांट एंड मशीन प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस, ये भी पॉसिबल है, इधर का प्लांट इधर यूज कर देगा और ये धीरे धीरे बिजनेस ही बंद कर देगा, एक्सेप्शन सच प्लांट एंड मशीन वॉज नॉट एट एनी टाइम प्रीवियसली टू डेट ऑफ इंस्टॉलेशन यूज इन इंडिया, such plant and machine is imported into India from any country outside India and no depreciation of such plant and machine has been allowed under the act if in for any period prior to the date of installation, to chalega, matlab wo aapne yahan use nahi hona chahiye, bahar kidhar use hua hai, bahar se import kiya hai, to ek bar chalega,
टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 20%। हाँ, 20% तक आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इनपुट अरे ले सकते हो। मतलब समझो आपका प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ का नया है, 10 करोड़ में 8 करोड़ नया चाहिए, 2 करोड़ तक पुराना चलेगा। डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एज होटल और कन्वेंशन सेंटर ऑन विच डिडक्शन अंडर ATID हैज बीन यूज्ड। मतलब आपने कोई और सेक्शन में ATID में पहले आपने होटल या उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया है, वो आप यूज नहीं कर सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन। 6 ऐसे बिजनेस है, सुनना, 6 ऐसे बिजनेस है जो ऊपर के कैटेगरी में नहीं आ सकते। 6, पहला है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बराबर है, इन एनी फॉर्म और इन एनी मीडिया। दूसरा है माइनिंग। तीसरा है कन्वर्शन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स इनटू स्लैब्स। फोर्थ है बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर। फिफ्थ है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म। 6 वापस जनरल वर्ड, एनी अदर बिजनेस, वो तो हमेशा का है, वो बाद में गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है। मतलब ये पांच, प्रैक्टिकली 5 बिजनेस पर ये सेक्शन यूज नहीं हो सकता। मुझे 5 सेक्शन में 2-3 तो ऐसे ही लग रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जैसा ही नहीं है, वो नहीं है। बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में खाली गैस बना, माइनिंग, मुझे आधा तो मैन्युफैक्चरिंग जैसा लग ही नहीं रहा है, लेकिन तो बिजनेस हो सकता है। कंपनी ऐसे फॉर्म कर सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैस या जो भी हो, लेकिन अलाउड नहीं है तो बिजनेस को आपको ये सेक्शन में यूज नहीं कर सकते। बस बाकी सब पॉइंट सेम, C3 और 4 सेम, C3 और 4 सेम। उसके बाद देखो 111A मैंने लिखा, ये रहा, थोड़ा ज्यादा है उसमें, ज्यादा लिखा है, 111A पूरा पढ़ लेना। 112 लिखा, उसके बाद जो मैंने 112 है ना साइड पर लिख दो बॉक्स अंदर, सेक्शन नंबर गलती से अंदर लिख दिया है, दिख रहा है 112, उसे बाहर निकाल दो। 115BB लिखा, हाँ BBD और BBE है ना, मैं बाद में पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं है, BBE BBD में बाद में पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी सब पढ़ा रहा हूँ, BBD BBE BBF BBG, ये 4 पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक हुआ। बस ये 2 चैप्टर, 1-2 चैप्टर ऐसे, इसके बाद 4 चैप्टर ऐसे जिसमें प्रैक्टिकल सम्स है, मतलब मैट, एक मिनट, मैट, AMT, असेसमेंट ऑफ फर्म्स, ओके, 5 DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, सब टूवर्ड्स प्रैक्टिकल चले जाएगा, मतलब थियरी कॉम्बो विथ प्रैक्टिकल होगा, यहाँ तक क्या है प्योर थियरी थियरी, फिर वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब बोल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चल ये वर्ड्स का मतलब समझ, तू मेरे को, देखो सब आता है 80s, वेरी गुड, कितने को 80s आता है, सब कुछ कुछ आता है, तू मेरे को बोलना, मेरा हाथ का मूवमेंट समझेगा ना तो अपने आप समझ जाएगा। ATC क्या है, इन्वेस्टमेंट इन LIC पेंशन फंड, बराबर, वो सब ATCCC पेंशन फंड्स, CCD पेंशन फंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ATD मेडिक्लेम, ATDD हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर, ATDDB स्पेसिफाइड डिजीज, ATE इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ATEEA इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लेटेस्ट, ATEEB इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ATG डोनेशंस, ATGG रेंट पेड, ATGGA GGB GGC डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी और वो सब, या इकोनॉमिक, राइट, ATJJA प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ATJJAA न्यू वर्कमैन का बिजनेस प्रॉफिट्स, ATQQB ऑन बुक्स, ATQQ RRB रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, ATTTA ATTTB दिख रहा है, पैसा आने पर डिडक्शन, वो पैसे जाने पर डिडक्शन था, तो सी ग्रुप डी ग्रुप ई ग्रुप जी ग्रुप, ये सब पैसा जाने पर डिडक्शन है, लास्ट वाले QRLA आने पर डिडक्शन, इनकम साइड से टारगेट करना था, रियल मैसर है, तो
हाथ का इशारा समझेगा ना कि क्या एक आने पर है या जाने पर है, तो अपने आप क्लिक हो जाएगा।